नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कम बच्चे असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। मतलब अगर 25 सभी बच्चे हैं तो उसमें से मुश्किल से ही 5-6 या 7 बच्चे असाइनमेंट टाइमली सबमिट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, सो काइंडली टेक इट सीरियसली। लेट अस स्टार्ट विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज दैट द मिनिमम डेविएशन सफर्ड बाय रेड येलो एंड वायलेट लाइट रे पासिंग थ्रू एन इक्विलेटरल प्रिज्म आर 38.4 डिग्री, 38.7 डिग्री, 39.2 डिग्री रेस्पेक्टिवली। सो फाइंड द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम। कितना है? 38.4, 7 और 39.2, रेड येलो वायलेट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एक गिवन प्रिज्म है जो कि इक्विलेटरल प्रिज्म है। सो एन इक्विलेटरल प्रिज्म इज हैविंग ए मिनिमम डेविएशन फॉर रेड लाइट, वायलेट लाइट, सॉरी रेड लाइट, येलो लाइट एंड वायलेट लाइट आर इन द सीक्वेंस 38.4 डिग्री, 38.7 डिग्री एंड 49.2 डिग्री respectively, so we have to calculate the dispersive power. So we know that dispersive power is the ratio of angular dispersion to the mean deviation, to the mean deviation. So in this question, given क्या है? हमारे पास एक इक्विलैटरल प्रिज्म है। क्या है? इक्विलैटरल प्रिज्म है। इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिंग एंगल जो होगा वो होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो ए 60 डिग्री है और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मिनिमम डेविएशन डेल एम फोर व्हाट रेड लाइट क्या दे रखा है 38.4 डिग्री डेल एम येलो कितना दिया हुआ है 38.7 डिग्री, डेल एम फोर वायलेट इट इज 49.2 डिग्री। तो हमें दिया हुआ है कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म के अंदर मिनिमम डेविएशन बाय द रेड कलर, येलो कलर, वायलेट कलर आर 38.4 डिग्री, 8.7 डिग्री, 49.2 डिग्री रिस्पेक्टिवली एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्पर्सिव पावर। हमें क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है। ठीक है, सो ए दिया हुआ डेल एम आर है, डेल एम वाई है, डेल एम वी है एंड वी आर हैविंग फॉर्मूला व्हाट म्यू म्यू, क्योंकि ओमेगा क्या होगा, ओमेगा विल बी इक्वल टू म्यू बी माइनस म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस वन। तो इसके लिए मेरे पास म्यू भी नहीं है, म्यू आर भी नहीं है और ये म्यू क्या है, ये म्यू निकलेगा म्यू वी और म्यू आर के एवरेज से। दिस इज कॉल्ड मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज येलो कलर के लिए। ठीक है, यहां पे येलो तो येलो इसमें जो येलो का आएगा वही निकाल लेंगे। ठीक, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने की है कि अगर आपको रेड लाइट रे और वायलेट लाइट रे दी हुई हो और आपको इस क्वेश्चन में येलो लाइट ना दी हुई हो और ए भी दिया हुआ हो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, म्यू बी म्यू आर निकालना पड़ेगा और म्यू। तो इस केस में म्यू बी म्यू आर तो निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से भी लिखेंगे हम। ठीक है, तो फॉर्मूला ना हमारे पास म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू, उससे निकाल लेंगे। लेकिन बात आती है मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की, तो म्यू क्या होगा, म्यू विल बी फाउंड आउट बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ वायलेट एंड रेड लाइट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपको येलो वाला नहीं दिया हुआ
उस केस में म्यू निकलेगा दोनों के एवरेज, मीन्स रेड और वॉयलेट के एवरेज से निकलेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि म्यू, मुझे नीचे ऊपर किसकी रिक्वायरमेंट है, म्यू की रिक्वायरमेंट है। तो म्यू क्या होता है, म्यू हमारे पास होता है साइन ए प्लस डेल एम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू। इसका मतलब मुझे पहले वॉयलेट का, येलो का, रेड का म्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद में वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। लेट अस प्रोसीड। सो फॉर म्यू वी, म्यू वी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम वी डिवाइड बाय टू बाय साइन ए बाय टू। सो म्यू वी इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस डेल एम आर कितना है, सो डेल एम पहले आर का निकाल, डेल एम आर कितना है 38.4 डिग्री डिवाइड बाय साइन ऑफ ए कितना है 60 डिग्री बाय 2। सो इट विल बी हाउ मच, और ये बाय 2 भी आएगा। सो 60 प्लस 38 इट मींस साइन ऑफ 98.4 डिग्री डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू म्यू वी, सॉरी म्यू आर निकाल रहे हैं। सो इट विल बी हाउ मच, म्यू आर विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 49.2 डिग्री डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री 49.2। अब 49.2 का मतलब क्या हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 50 से थोड़ा सा कम हो गया। तो मींस वी नो दैट साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, दैट इज 0.707। सो इफ वी हैव टू फाइंड साइन 49.2, सो वी कैन राइट म्यू आर इज इक्वल टू 0.796 डिवाइड बाय साइन 30 इज 0.5। सो म्यू आर विल बी इक्वल टू, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.796 डिवाइड बाय 500, ठीक है। डिवाइड करते हैं इसको, क्या आएगा म्यू आर कितने जाएगा 500 कितने में जाएगा आपका, जाएगा फिर 796 है, 6 आ गया, 9 आ गया, 960 एंड इट इज ऑल्सो 2960 आ गया, ठीक। तो अब जाएगा ये कितने पे 29 आ गया, इट मीन्स 5 पे जाएगा 1.5 1.59 आ गया। सो म्यू आर कितना आ गया, म्यू आर इज 1.59, ठीक है, क्योंकि आपका 49.2 डिग्री कितना हो गया 0.796 डिवाइड बाय 0.5 एंड डिवाइड बाय 500, इट विल बी पहले जाएगा 1 पे 500 आ गया, इट मीन 296 आ गया, 296 हो गया, फिर जाएगा 5 पे जाएगा 460 आ गया, तो 9 पे, मींस म्यू आर विल बी इक्वल टू 1.59, ठीक है। अब निकालते हैं म्यू येलो, म्यू येलो इज इक्वल टू
साइन ऑफ ए प्लस डेल एम येलो बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू म्यू वाई इज इक्वल टू साइन साइन ऑफ ए ए इज 60 डिग्री प्लस वाई 38.7 डिग्री डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री बाय टू सो म्यू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 98.7 डिग्री बाय टू डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री सो म्यू वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 49.35 डिग्री बाय साइन 30 सो इट विल बी हाउ मच इट विल बी 0.810 डिवाइड बाय साइन 30 0.5 सो इट विल बी 810 बाय 500 म्यू वाई सो म्यू वाई विल बी इक्वल टू 500 सो 310 आ गया जाएगा 6 पे जाएगा सो 1.6 तो 100 आ गया हजार हो गया मीन्स 1.62 सो तो म्यू वाई विल बी इक्वल टू 1.62 ठीक है तो म्यू वाई आ गया सिमिलरली विल फाइंड म्यू वाई म्यू पायलट विल बी इक्वल टू हाउ मच साइन ऑफ ए प्लस डेल एम वायलट डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू साइन ए बाय टू सो म्यू वी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस 49.2 डिग्री डिवाइड बाय टू डिवाइड बाय साइन ऑफ 60 डिग्री बाय टू सो म्यू वी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ इट विल बी 109.2 डिग्री बाय टू डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री सो इट विल बी साइन ऑफ हाउ मच फाइव सॉरी साइन 54.6 डिग्री डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री ठीक है तो ये 5 2 4 ठीक है सो नाउ म्यू म्यू वी सो म्यू वी विल बी इक्वल टू हाउ मच साइन ऑफ 54.6 डिग्री सो इट विल बी 0.846 डिवाइड बाय 0.5 सो म्यू वी विल बी इक्वल टू 846 बाय 100 सो म्यू वी इज इक्वल टू हाउ मच 500 देन 460 कितना आ गया 46 आ गया 3460 एडमिशन कितना जाएगा 6 पे जाएगा कितना आ गया 4600 तो कितना आ जाएगा 5 59 ठीक है तो कितने हो गया 500 से किया तो 1 पे जाएगा कितना आ गया 500 तो 346 आ गया 3460 कितने जाएगा 6 पे जाएगा 3000 तो 460 आ गया कितना जाएगा 9 पे जाएगा ठीक है और देन 2 पे जाएगा ठीक है तो कितना आ गया म्यू वी विल बी इक्वल टू 1.69 सो नाउ By using this formula for minimum angle of deviation, we have found the refractive index for violet, red and yellow. तो red के लिए भी निकाल लिया है, yellow के लिए निकाल लिया है, white के लिए निकाल लिया है, ठीक है? अब हमें निकालना है omega. तो इसको यहाँ करते हैं. So omega will be equal to mu v minus mu r. Mu v 1.69 minus 1.59 डिवाइड बाय अब म्यू निकाल लेते हैं तो म्यू क्या बनेगा म्यू विल बी तो म्यू यहां निकाल लेते हैं
सो म्यू इज इक्वल टू, सॉरी म्यू वाई तो है हमारे पास, म्यू इज नथिंग, म्यू इज इक्वल टू म्यू वाई, ठीक है। तो म्यू वाई कितना है 1.62 माइनस 1 ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0.10 एंड इट इज 0.62, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 10/62, ओके। सो डिवाइड इट यू विल फाइंड ओमेगा विल बी इक्वल टू 62, 0.2 बन जाए 62, इट इज 38, फिर जीरो आ गया, कितने जाएगा 38 आ गया तो 380, कितना जाएगा 60 है तो कितना जाएगा 7 नहीं 6 जाएगा, फिर 60 तो 20 तो 3 वन तो 0.0163, सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 0.163 आ गया, क्या आ गया ओमेगा हमारा आ गया 0.163 आ गया। सो इन दिस वे वी विल फाइंड द एंगुलर सॉरी डिस्पर्सिव पावर बाय यूजिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, बाय यूजिंग एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड लाइट, वॉयलेट लाइट एंड येलो लाइट। सो इन दिस वे वी हैव फर्स्ट फाउंड दिस फॉर म्यू आर, म्यू वी सॉरी म्यू वाई, म्यू वी एंड इन द फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू, म्यू इज नथिंग, म्यू इज कॉल्ड मीन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, दैट इज फॉर द मीन कलर, बिकॉज हेयर मीन कलर इज गिवन टू अस बिकॉज इन स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम वी आर हैविंग विबग्योर, इन विबग्योर वॉयलेट एंड रेड लाइट आर द एक्सट्रीम कलर्स एंड येलो कलर इज कॉल्ड मीन कलर। सो इट मीन्स हेयर वी नीड नॉट फाइंड म्यू बिकॉज म्यू इज नथिंग, म्यू इज जस्ट म्यू वाई 1.62, सो यू पुट द वैल्यूज एंड फाइंड डिस्पर्सिव पावर, सो डिस्पर्सिव पावर विल बी इक्वल टू 0.163 आ गया, ठीक है। कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म विद एपेक्स एंगल ए इज कॉट ए बाय टू, प्रूव दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम विल बी 180 माइनस 2a। तो क्या बोल रहा है कि प्रिज्म का एंगल जो है ए वो दे रखा है कोट ए बाय टू, क्या दे रखा है कोट ए बाय टू दिया हुआ है, ठीक है सॉरी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो कोट ए बाय टू दिया हुआ है, प्रिज्म एंगल ए है और उस प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है कोट ए बाय टू, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2a। लेट अस प्रूव, गिवन क्या है हमें गिवन है ए हमें दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म है ठीक, सो म्यू म्यू हमें दे दिया गया है कोट ऑफ ए बाई टू, कोट ऑफ ए बाय टू कितना दे दिया म्यू में दे दिया है कोट ए बाय टू, सो व्हाट विल वी डू, वी नो वी आर हैविंग फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाय टू डिवाइड बाय साइन ए बाय टू एंड म्यू इज व्हाट, म्यू इज कोट a by 2 is equal to sine of a plus del m by 2
divide by sine a by 2 and cot a by 2 is written as cos a by 2 sine a by 2 is equal to sine of a plus del m by 2 divide by sine a by 2. So cross multiply. So cos a by 2 by sine a by 2 into sine a by 2 will be equal to sine a plus del m by 2. So we are remaining with cos of a by 2 is equal to sine of a plus del m by 2. So अब now it is sine, it is cos. So one of the quantity should be written as either this cos a by 2 should be written in terms of sine, or this sine should be written in terms of cos. So let us try to write. So we know that sine of 90 minus theta will be equal to cos theta. Similarly, cos 90 minus theta will be equal to sine theta. So this is written as sine of 90 minus a by 2. It will be equal to sine of a plus del m by 2. So, in comparing both sides, 90 minus a by 2 is equal to a by 2 plus del m. ठीक है, क्या आ गया? 90 minus a by 2 will be equal to a plus del m by 2. हमें क्या प्रूव करना है? We have to prove that del m is equal to 180 degree minus 2a. इसे ऐसे ले लेते हैं, 180 degree और हम इसको ऐड कर लेते हैं. So 90 degree minus plus कर लेते हैं a plus del m. ठीक है, so 90 minus a by 2 will be equal to how much? A plus del m by 2. So del m by 2 will be equal to, sorry, ये del m भी है ना, sorry, क्योंकि ये है तो इसको अलग लिखेंगे, ऐसे लिखा जाएगा. So ये plus ये a आ गया. So del m by 2 is equal to 90 degree minus a, and del m will be equal to twice of 90 degree minus a. It means del m will be equal to 180 degree minus 2a. Hence, proved that angle of minimum deviation will be equal to 180 degree minus 2a when the angle of prism is a and the refractive index will be cot a by 2. Cot a by 2. So, इसको रब करते हैं, next question चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें एक लाइट रे दी हुई है और वो लाइट रे प्रिज्म के फेस पर, एक फेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होती है. उस प्रिज्म का एंगल क्या है? 45 डिग्री है, और क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट प्रिज्म इज आल्सो 45 डिग्री. सो ट्राई टू ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट, मींस हाउ द लाइट विल ट्रेवल, एंड ऑल्सो फाइंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स. तो क्या है गिवन, क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास क्या? गिवन है एंगल ऑफ प्रिज्म इज हाउ मच? 45 डिग्री, एंड क्रिटिकल एंगल विल बी ऑल्सो विल्स और नॉट विल बी क्रिटिकल ऑल्सो इज गिवन अस 45 डिग्री. तो एंगल ऑफ प्रिज्म भी 45 है और सी भी 45 है. तो हमें क्या करना है? हमें दिया हुआ है कि लाइट रे प्रिज्म के एक फेस पर नॉर्मल इंसिडेंट है, और हमें निकालना है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ द लाइट एंड फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो. लेट अस ट्राई टू मेक अ प्रिज्म.
So this is 45. So this is 45 degree. Let us try. Let us a light ray is normally incident 90 degree. And critical angle of this prism will be how much? 30 degree. तो जब भी कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो क्या होगा, वो पास कर जाएगी प्रिज्म से, ठीक है। तो ये 90 का है, ये 45 का है, इट मींस ये भी क्या होगा, 45 का है। लेट अस मेक ए परपेंडिकुलर ऑन दिस, दिस इज आल्सो 45, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल। सो इट मीन्स क्या होगा, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो क्या होता है, तो आपका ग्रेजिंग ऑफ इमरजेंस होता है, ग्रेजिंग ऑफ इमरजेंस ऑकर्स, इट मीन्स लाइट विल go like this, light will emerge out of the prism like this. So light आपकी ray incident हुई 90 degree पे, क्योंकि 90 degree पे कोई light ray incident होती है तो angle of incidence will be equal to angle of reflection. So it means it will pass through the face of the prism and it will incident somewhere here. So according to triangular property, angle property, 90 degree का ये 45 degree का होगा, but we have to find the angle of incidence. So we have to draw the normal on this face. And by drawing this normal, this angle is called angle of incidence, because angle between incident ray and normal will be incidence. So angle of incidence at this interface, angle of incidence will be equal to angle of critical angle. So when the angle of incidence is equal to critical angle, then there will be a grazing of emergence and light ray will emerge out like this. So this is the path and now we have to find mu, refractive index निकालना है। Refractive index mu will be equal to nothing, it is reciprocal of sine of critical angle. Refractive index will be equal to reverse of या reciprocal of sine of the critical angle. And critical angle is given to us sine 45 degree and mu will be equal to 1 upon 1 by root 2, that is mu will be equal to root 2, it means mu will be equal to 1.4142. so refractive index of the prism will be equal to 1.4142 degree. So in this way we have solved the numerical problems for a given prism. So in this prism what we have done, the light ray is incident normally, so कोई भी light ray normally incident होगी तो क्या होगा, वो आपका हमेशा prism में से उस face पे incident है वो उसमें से pass कर जाएगी. And the light ray is normally incident, it means angle of incidence will be equal to angle of reflection. So we can say that whenever light ray is incident at any face, then light will pass through the face and after incident normally, this will incident here, it means we have to find at this point what is the angle of incidence, that is only found by drawing the normal on this surface. So this is, so triangle property 90 degree, 45 degree, it means angle of incidence will be also 45 degree. So with this we can say that we are having angle of incidence will be equal to critical angle, and whenever we are having critical angle equal to angle of incidence, then we can say that there will be a grazing of emergence, or we can say at this interface where angle critical angle is equal to angle of incidence, grazing of emergence happens, and due to this grazing of emergence light will emerge out with the face of the prism. So prism ke face ke saath saath bahar nikal jayega, to wo aise nikal jayegi, this is called grazing of emergence. And we can say that we will have to find refractive index and we are having the critical angle, so we can say that refractive index is the reciprocal of sine of the critical angle, it means mu will be equal to 1 upon sine c, it means
put the value of c and we will find mu. So sine 45 is 1 by root 2 and mu is equal to root 2. Mu kitna hoga? Root 2 hoga. It means mu ki value kitni aagi? 1.4142 aapki value aagi. So in this way we will find the refractive index and also trace the path of the light when the light ray is incident normally on the face of prism. So I think you will better understand the lecture when you go through the video lecture. So till then, take care, be safe, stay at home, and kindly try to submit your assignments properly and timely also. And in this week also a test will be there, and within the time I will announce it. So prepare it. Thank you so much.